आपने कोरोना काल के अंदर ये स्लोगन तो अवश्य सुना होगा, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे कि सबसे बेहतरीन मास्क कौन सा है, जिसकी वजह से जो कोरोना को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, जिसे हमें कोरोना से सबसे ज्यादा बचाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मास्क आता है वो आता है N95। इस मास्क की जो कैपेसिटी है वो वायरस को 95% तक आपको सेफ रखता है। और वहीं यदि बैक्टीरिया है और धूल है या बहुत छोटे छोटे धूल के कण हैं, तो दोस्तों ये 100% उससे सुरक्षा करता है। साथ ही यह कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से बचाव के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट मास्क है। यह आसानी से मुख और नाक पर फिट हो जाता है और बारीक कणों को नाक या मुख से जाने से रोकता भी है। हवा में मौजूद 95% कणों को रोकने में सक्षम होने के कारण इसका नाम N95 पड़ा। कोरोना वायरस का कण जो होता है वो डायमीटर में 0.12 माइक्रोफोन जितने होते हैं, जिसकी वजह से यह काफी हद तक मदद करता है और बैक्टीरिया, धूल और पेराग्रेन जैसे में 100% आपकी सेफ्टी करता है। दोस्तों, N95 के बाद जो मास्क आता है उसका नाम है सर्जिकल मास्क। अक्सर आप लोग मेडिकल स्टाफ में या फिर हॉस्पिटल लाइन में जितने भी डॉक्टर्स या वर्कर्स होते हैं, अक्सर ये मास्क उनके द्वारा उपयोग किया जाता है। N95 उपलब्ध न होने पर यह सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा विकल्प है, जो कि कोरोना वायरस जैसे घातक वायरस से बचाने में 95% अपनी सेफ्टी करता है। वहीं बैक्टीरिया और धूल और परागण कणों जैसे 80% तक हमें सुरक्षा देता है। और ये ढीले फिटिंग वाले होते हैं, इसलिए जब भी इन्हें लगाएं तो अच्छे से नाक और मुख को पूरा कवर करते हुए लगाएं। तो दोस्तों, ये दूसरे नंबर का मास्क था जिसे हम सर्जिकल मास्क के नाम से जानते हैं। और अब जो मास्क आएगा वो तीसरा नंबर का मास्क। यदि आपके पास N95 और सर्जिकल मास्क दोनों ही ना हो तो फिर क्या करें? तो उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है आपका FFP3 मास्क। ये अति सूक्ष्म कणों से बचाव के लिए होता है और इसमें 3 कैटेगरी होती है, FFP1, FFP2, FFP3। लेकिन दोस्तों, इन तीनों में सबसे जो बेहतरीन मास्क होता है वो FFP3 होता है और ये अति सूक्ष्म कणों से तो बचाव करता ही है, साथ जो कोरोना वायरस है उसमें 95% आपको प्रोटेक्शन करता है। और वहीं धूल और परागण और बैक्टीरिया से करीब करीब 80% तक आपकी सुरक्षा करता है। यदि आपके पास N95 भी नहीं है, सर्जिकल भी नहीं है और FFP3 मास्क भी नहीं है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो मास्क है वो है एक्टिवेट कार्बन मास्क। अक्सर आप लोग सफाई कर्मचारियों के पास जो मास्क मिलते हैं वो आपको गंद रोकने वाले मास्क मिलते हैं। यह वायरस बचाव के लिए नाकामी है क्योंकि यह केवल और केवल 10% तक आपके वायरस से बचाव करता है, 90% आपको प्रोटेक्शन नहीं देता है। और वहीं बैक्टीरिया, धूल और जो अति सूक्ष्म कण होते हैं उनको केवल महज 50% रोकता है। तो दोस्तों, ये ऊपर की जो तीन है उनकी तुलना में यह इतना अच्छा नहीं है। फिर अक्सर अपन इंडिया में बनाते हैं कपड़े वाले मास्क। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि अपन घर पे बनाए हुए मास्क को यूज करते हैं या फिर कपड़े वाले यूज करते हैं तो वायरस से 0% प्रोटेक्शन करता है। हाँ, बैक्टीरिया, धूल और परागण जैसे कण यदि आते हैं तो उनमें आपकी करीब करीब 50% तक वो प्रोटेक्शन करता है। लेकिन यदि विशेषज्ञ की बात माने तो ये आपको सलाह दी जाती है कि आप जो कपड़े वाला मास्क यूज करते हैं तो उससे बेहतर आप मास्क यूज करें ही ना, क्योंकि कपड़े वाला मास्क आपको किसी भी प्रकार को वायरस प्रोटेक्शन के लिए सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, किसी भी प्रकार के वायरस को वो रोकता नहीं है। तो दोस्तों, आपकी जो कपड़े वाला मास्क है वो इतना प्रभावी नहीं है जितना N95 और सर्जिकल मास्क है। और इसके बाद आता है और सबसे लास्ट में आता है आपका एक स्पंजी मास्क और होता है जो स्पंज के नाम से हम जानते हैं।
और दोस्तों ये किसी काम का नहीं है, ये न वायरस रोकता है, न बैक्टीरिया रोकता है, न धूल रोकता है, न कोई और किसी प्रकार के कणों को रोकता है। ये केवल धूल और इनमें जरूर 5% का बचाव कर सकता है। तो दोस्तों एक्सपर्ट की यदि राय माने तो ऐसे मास्क को ना लगाएं, सबसे बेहतरीन विकल्प है आप यदि यूज करना चाहें तो N95 और दूसरे नंबर पे सर्जिकल मास्क का ही उपयोग करें। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।